वेलकम एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगी कि ब्राइट ग्रीन कलर की पालक पनीर कैसे बनानी है घर पे, जिसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा और कलर भी बहुत अच्छा आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो आपको पालक को बॉयल करना है ओपनली, मतलब प्रेशर कुकर में बॉयल नहीं करना है, कोई विसल नहीं दिलवानी। सिंपली पतीले में या कढ़ाई में आप पानी बॉयल होने के लिए रख दो, उसमें थोड़ा सा ऐड करो नमक और फिर पालक के पत्ते इस तरीके से हाथ से ही तोड़ के और सॉफ्ट सॉफ्ट जो डंठल होते हैं वो भी ऐड कर देना, ठीक है। 2 से 3 बॉयल करवाने हैं आपको, बस ज़्यादा नहीं। मीनवाइल आप क्या करो, एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल ऐड करके जो पनीर आपने क्यूब्स काट रखे हैं उसको आप इस तरह से थोड़ा फ्राई कर लो, हल्का सा गोल्डन कलर लाना है, ज़्यादा नहीं। ज़रूरी नहीं कि दोनों साइड्स पे अच्छे से कलर लाना है, नहीं तो वो ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। और हल्का सा गर्म पानी लेना है, नॉर्मल पानी ले लो या हल्का सा उसको कोसा कोसा कर लो, उसमें निकाल लो ताकि पनीर सॉफ्ट रहे। और उसके बाद जस्ट 2-3 बॉयल जैसे ही पानी को आते हैं ना पालक डालने के बाद, उसको आप नॉर्मल पानी में इस तरीके से निकाल लो। आपको पालक को 2-3 बार वॉश कर लेना है नॉर्मल पानी में, इतना का पालक ठंडी होनी चाहिए कि आप उसको टच कर पाओ, मतलब हाथ लगा पाओ, ठीक है। पालक को थोड़ा ठंडा कर लो पानी में। अब मैं लगा रही हूँ तड़का, जिसमें मैंने ऐड किया है जीरा, थोड़ा सा लहसुन, क्योंकि मैं साथ में ऐड कर रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट, तो लहसुन मैंने थोड़ा सा ही ऐड किया है। आप चाहो तो पेस्ट ना ऐड करके बिल्कुल फ्रेश अदरक और लहसुन बारीक काट के ऐड कर सकते हो। मैंने पेस्ट यूज़ किया है बिकॉज अदरक बिल्कुल घर पे ख़त्म था, इसलिए थोड़ा सा लहसुन ऐड कर लिया और थोड़ा पेस्ट ऐड कर लिया। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बिल्कुल बारीक कटे हुए 2 प्याज, और जब तक वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं तब तक मैं पालक को पीस लूँगी। पानी बिल्कुल निचोड़ लेना है और पालक को ब्लेंडर में अच्छे से पीस लेना है, बिल्कुल ही बारीक पेस्ट नहीं बनानी है, थोड़ा सा हल्का सा दरदरा रखना अच्छी लगती है। तो जैसे ही प्याज ब्राउन हो गया तो मैंने ऐड की इसमें हरी मिर्च और टमाटर। टमाटर अगर आपको नहीं ऐड करना है, बिकॉज़ कुछ लोग पालक पनीर में टमाटर नहीं डालते हैं और कई बार फिर पालक का टेस्ट हल्का सा कड़वा आता है, तो ऐसी सिचुएशन में आप अगर टमाटर नहीं डालते हो तो आप थोड़ा सा दही ऐड कर सकते हो। जब पालक पनीर को तड़का लगा रहे हो तो आप उसमें थोड़ा सा दही ऐड कर लो, वो भी टमाटर का काम ही कर देती है। मैंने इस तड़के में कोई खड़े मसाले नहीं ऐड किए, कोई स्ट्रॉन्ग मसाले। रेगुलरली जब मैं घर पे पालक पनीर बनाती हूँ कुछ भी ऐसा ऐड नहीं करते, बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, बस बेसिक से मसाले ऐड करती हूँ और ग्राइंड की हुई पालक ऐड कर देती हूँ, दैट्स इट। आप देख रहे हो कितना ब्राइट कलर है। जब होटल्स में हम लोग पालक पनीर खाते हैं, कुछ होटल्स में बहुत ही वाइब्रेंट ग्रीन कलर की पालक पनीर सर्व करते हैं, ऊपर से वो लोग क्रीम डाल के देते हैं। ढाबों पे अगर खाते हैं तो उनकी डार्क ग्रीन कलर की पालक होती है, यानी कि थोड़े कालेपन में जो होती है, है ना। तो जितना ज़्यादा आप पालक को पकाते जाओगे उतना ही ज़्यादा पालक का कलर डार्क होता जाता है, और ऐसा भी माना जाता है कि उसके न्यूट्रिएंट्स ख़त्म होते जाते हैं। पालक को जितना हो सके थोड़ा कम पकाना चाहिए, तो इसलिए पालक को ब्लांच करके अगर आप इस तरीके से बनाते हो ना तो पालक का कलर वाइब्रेंट ग्रीन रहता है। तो मैं भी कभी कभी इस तरीके से बनाती हूँ। तो पालक को अच्छे से पकाने के बाद, पनीर ऐड करने के बाद, लास्ट में जब आप ये देसी घी का तड़का ऊपर से लगाते हो तो इसी से सारा टेस्ट बदल जाता है। इसमें बस मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पर देगी मिर्च, यानी कि जिसमें कलर ज़्यादा रहता है लेकिन तीखापन कम होता है। तो इस तरह से देसी घी का रोगन तैयार कर लेना है और ऊपर से वो पालक पनीर में ऐड करना है। इससे जो टेस्ट आता है उससे ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ता है पालक पनीर में। तो मैंने यहाँ पर ढक के थोड़ी देर के लिए पालक पनीर को पकाया, थोड़ा सा कलर कम हो गया, मतलब हल्का सा फ़र्क पड़ता है जब आप पालक को अच्छे से पकाते हो 10-15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर, तो हल्का सा फ़र्क आ जाता है। जितना ज़्यादा पकाते जाओगे उतना ही कलर ये डार्क होता जाएगा। जब आप देखोगे घी थोड़ा सा, यानी कि पहले तो तेल डाला था ना, तो तेल जैसे ही छोड़ने लग जाए पालक तो मतलब पक गई है। तो फिर उसके बाद ऊपर से आप देसी घी का तड़का लगाओ और फिर टेस्ट करके देखना, इतना बढ़िया टेस्ट आता है। मतलब देसी घी डालने से पहले टेस्ट करके देखना और उसके बाद टेस्ट करके देखना, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है टेस्ट में। बहुत ही बढ़िया पालक पनीर लगती है, गर्मा गर्म चपाती के साथ या लच्छे पराठे के साथ खाओ, बहुत ही मज़ा आता है। तो ये है सिंपल सी पालक पनीर जो घर में मैं हमेशा बनाती हूँ। तो ये तरीका है मेरा पालक पनीर बनाने का जो मैंने आपके साथ आज शेयर किया है। बाकी खड़े मसाले डाल के या स्ट्रॉन्ग अरोमास के साथ भी आप बना सकते हो, बिल्कुल आपकी चॉइस है। लेकिन गर्मियों में ना ये स्ट्रॉन्ग ये जो स्मेल होती है ना मसालों की, मैं अवॉइड करती हूँ। इस तरीके से आप घर पर पालक पनीर बना सकते हो
जो बहुत ही टेस्टी बनती है। पनीर को फ्राई करना है नहीं करना है ये ऑप्शनल है, कई बार पनीर ऐसे सिंपल भी आप डाल सकते हो। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो ये ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना, और अगर मेरे चैनल का वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना विद बेल आइकन, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियोज़ अपलोड करूँ तो आपको पता चल सके। ठीक है।